प्योर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हैं। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, कई राज्यों को तोहफा। देश में बनेंगे 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर, 3 रेल प्रोजेक्ट पर भी मुहर लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट मीटिंग में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तैयार करने को मंजूरी दी गई। सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 28,602 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को बनाने की मंजूरी दी। इस पर 28,602 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रस्तावित 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के जरिए 1.52 लाख करोड़ रुपए की निवेश संभावनाएं पैदा होंगी। कैबिनेट की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि पिछले 3 महीने में 2 लाख करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी। आज कैबिनेट ने 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इससे 10 राज्यों में तकरीबन 10 लाख रोजगार पैदा होगा। स्मार्ट कॉरिडोर को तैयार करने में 28,602 करोड़ की लागत आने वाली है। करीब 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। और अब तक के जो शुरुआती दौर में जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे उसमें जो भी लर्निंग्स आई, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो सारा एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट्स में लगाया गया है। बहुत फोकस होगा प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट्स पे, प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट्स पे। अगर हम देखें, आज दुनिया में सब जगह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भारत में शिफ्ट हो रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब भारत में शिफ्ट हो रही है। एंड दीज कॉरिडोर्स एंड दीज प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल एरिया प्रोजेक्ट्स, दे विल एक्सेलरेट दैट शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लग इन प्ले, रेडी टू स्टार्ट, वॉक टू वर्क, एब्सोल्युटली अच्छे नए प्रिंसिपल्स, मिनिमाइज्ड क्लियरेंसेज, लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी डन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें गैस, वाटर, पावर, टेलीकॉम सब चीज प्रोवाइड होगी और बहुत इकोलॉजिकल इम्पैक्ट मिनिमम हो, इस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया है। दिस इज़ अ वेरी नाइस विजन जिसमें देश में बहुत बड़ा डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में होगा और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। आज बहुत बड़ा मेजर एक फैसला लिया गया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। आप सब जानते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि भारत की पूरी फ्यूचर डेवलपमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करने वाला है। 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज, 12 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज ऑन द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ये 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज कंबाइंड, इनमें इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आएगा 28,602 करोड़ का। और वंस दीज कॉरिडोर्स एंड नोड्स आर डेवलप्ड, उसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 1.5 लाख करोड़, 1,52,757 करोड़, और करीब 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का इसमें पोटेंशियल है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक रखी गई और 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तैयार करने की मंजूरी दे दी गई है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ मौजूद है। अदिति, एक बड़ा स्टेप है क्योंकि हमने देखा है कि पूरा देश जिस तरीके से विकसित हुआ और उसके बाद 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तैयार करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में एक विकसित भारत की तस्वीर कैसे उभरती दिखती है? शिखा, जब हम कैबिनेट के इस फैसले का जिक्र करते हैं, शिखा मैं आपसे कहना चाहूँगी, मेरी आवाज़ मुझे लौट कर आ रही है, तो आप इसे टेक्निकली प्लीज़ ठीक करा लें। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो फैसला लिया गया है, हालांकि बजट में इसका जिक्र और इसके बारे में निर्मला सीतारमण कह चुकी थी, लेकिन आज जब कैबिनेट में इसको अप्रूवल जब मिलती है, तो आज भारत जहाँ पर खड़ा है, अगर ये पूरा का पूरा फैसला धरातल पर बेहतर तरीके से आ जाता है, तो ये भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाने वाली स्थिति में होगा।
हम आज भारत को विकसित भारत का श्रेणी में लाते हैं, हम भारत को ये कहते हैं कि पूरा विश्व जो है हमारी तरफ देख रहा है। लेकिन सही मायने में अगर ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो पूरा जो 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये धरातल पर आ जाते हैं तो ये सच होगा कि पूरा विश्व पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही होगी। अब वजह समझते हैं और आसान भाषा में समझते हैं। अगर हम भारत के अंदर की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के अंदर इस 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से क्या होगा। तो पहला, डायरेक्ट 10 लाख नौकरियां मिलेंगी, और अगर इनडायरेक्ट बात करें तो 30 लाख लोगों का जीवन इसमें इंपैक्ट होगा, और डायरेक्टली 10 लाख नौकरियां। आप शिक्षक अक्सर जब एंकरिंग करती है, रिपोर्टिंग करती हैं, तो आप विपक्ष की तरफ से या मैनिफेस्टो में कहे गए उस वादे को अक्सर जिक्र करती हैं कि जब नरेंद्र मोदी सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरियां दी जाएगी, और इस 12 करोड़ इंडस्ट्रियल, ये जो 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा तो 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इसके साथ साथ हम जब आप ये बात करते हैं कि हम जयपुर गुड़गांव से दिल्ली जो है 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, हम जब उत्तराखंड 4 घंटे में पहुंचने का जिक्र करते हैं, तो ये एक ग्रैंड नेकलेस की तरह है पूरी कंट्री में जो ये कनेक्ट करेगा, और बेहद ज़बरदस्त एक्सप्रेसवेज हाईवेज बनेंगे। और आपने अक्सर देखा होगा जब आप हाईवे पे जाती हैं तो दोनों तरफ लॉजिस्टिक्स होते हैं। तो ये पूरा जो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये भारत देश का इकोनॉमी बूस्ट करेगा, भारत में रह रहे 140 करोड़ लोगों के जीवन को बदल कर रख देगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बदल के रख देगा, क्योंकि हमारे पास नौकरियां होंगी। और जब हम इस इंडस्ट्रियल नौकरियों का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जिक्र करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम, जब आपने सुना होगा अभी हम जब रेल मंत्री को सुन रहे थे तो उन्होंने एक बात कही, प्लग इन एंड प्ले, वॉक एंड वर्क। इसका ये मतलब है कि, और मिनिमल ये बात जिक्र कही है, कोई स्पेसिफिक एक उन्होंने बात कही थी, क्लियरेंस, मिनिमल क्लियरेंस, इन सारी बातों का जिक्र ये है कि, और उसको क्लियरेंस मिल चुका है कि भारत ने ऐसे इलाके रखे हुए हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास, आसपास हाईवेज के पास, जहाँ पर आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। ये 12 स्मार्ट सिटीज का जिक्र जब किया है तब पूरे विश्व से आ रही जो कंट्रीज हैं वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। और शिखर से होगा क्या, शिखर से ये होगा कि आने वाले समय में जब हम भारत के फ्यूचर और उसके डेवलपमेंट का जिक्र करते हैं तो आने वाले समय में भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब। और सवाल ये उठता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग पे इतना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब पूरा जो विश्व है वो चाइना से त्रस्त होने के बावजूद भी चाइना पे इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। हम बिजली का जिक्र कर लें, हम किसी भी अप्लायंस, हम किसी भी, हम सेमीकंडक्टर्स का जिक्र कर लें, हम फोन में अपने जीवन में जो चीज यूज करते हैं उसमें हर एक चीज जो यूज होती है वो सेमीकंडक्टर है जो चाइना से आती है जी, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है और सबसे बड़ा थ्रेट भी इस दुनिया को है। तो भारत अब उसे रिप्लेस करेगा, और भारत ने मिनिमम क्लियरेंस है। अब आप फर्ज कीजिए कि आपके विदेश की कोई कंपनी है भारत में आके अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहती है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बहुत डिफिकल्ट मेथड्स हैं। हम अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले हमें हजारों क्लियरेंस चाहिए सरकार के जी। वो सारे क्लियरेंस को ईजी बना दिया है, उसके अलावा जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, प्लग इन एंड प्ले यानी रेडी टू सेटअप है, रेडी टू मूव इन है। तो आप देखिए कि एक तरफ तो हम सड़कों के माध्यम से, जिसे कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ेंगे, और वो भी ऐसे ग्रीन वेज, हाईवेज, एक्सप्रेस वेज जैसी सड़कों पे कभी भारत ये सोचा करता था अमेरिका में ही होती है, जो आज भारत में है। और उन्हीं के आसपास वही 12 बड़ी सिटीज में आपको इंडस्ट्रियल एरिया दिखेंगे, हाईवेज के आसपास आपको वो पूरे लॉजिस्टिक्स और वो दिखेंगे। तो आप देखिए तीन बड़ी बातें निकल कर आई हैं, पहला 10 लाख नौकरियां, भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब पूरी दुनिया को देगा, पूरी दुनिया आकर इंडस्ट्रीज इजी तरीके से यहाँ सेटअप कर सकती है। तो आप देखिए जो भारत की परिकल्पना है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुँच के उसको आगे ले जाने की, वो भारत का ये एक तरीका है कि 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप करके हम अपने जीवन को, 140 करोड़ लोग अपने जीवन को पूरी तरीके से तब्दील कर सकते हैं।
अच्छा अदिति, प्रोजेक्ट पर 28,602 करोड़ रुपए निवेश सरकार करने वाली है, तो ये किस किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये जो निवेश है कहाँ कहाँ लगने वाला है, क्योंकि जाहिर है इसमें बहुत सारी परियोजनाएं होंगी और परियोजनाओं के साथ साथ इसमें अलग अलग क्षेत्र में विकास की भी बात रखी जाएगी, और इसके साथ ही मुझे लगता है कि अलग अलग राज्यों में भी जब इसकी स्थापना होगी, जब ये स्मार्ट सिटी बनेगा, जो भी सिटी बनेगा, उसको लेकर के लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या रखा गया है? देखिए बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, और इसमें आपने, क्योंकि पहले सिटीज ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कौन कौन सी सिटीज हैं, तो उत्तराखंड से शुरू होकर अगर हम बात करें, देखिए अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी इन फंक्शन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी इन फंक्शन है, बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर आप इलाकों का जिक्र करें तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि इसमें राजस्थान जोधपुर पाली भी है, इसके साथ साथ इसमें उत्तराखंड है, कोलकाता है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री एक बात का जिक्र करते हैं कि पूर्वोत्तर से भारत का सूरज उगेगा, तो ईस्ट की बहुत सारी ऐसी जगह हैं। अब मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, देखिए खुरपिया उत्तराखंड है, राजपुरा पटियाला पंजाब हुआ, इसके अलावा दिघी महाराष्ट्र हुआ, पलक्कड़ केरला हुआ, आगरा हुआ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश हुआ, गया बिहार हुआ, इसके अलावा जहीराबाद तेलंगाना हुआ, ओरवाकल और कोपत्ती आंध्र प्रदेश हुआ, और जोधपुर जो है वो 11वां है, जो पाली राजस्थान हुआ। और 12वें का जिक्र इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते, क्योंकि अभी उस राज्य में चुनाव है तो उसका जिक्र कैबिनेट की बैठक में नहीं किया गया। अब आप देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या नरेंद्र मोदी की सरकार ने किन किन प्रोजेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम जब अर्थव्यवस्था को तीसरी पर ले जाने का जिक्र करते हैं तो क्या क्या बात करते हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शंस को लेकर स्पीड बढ़ाने का जिक्र किया, जो डिसीजन अभी वाराणसी का हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल, आज के कैबिनेट में। इसके अलावा एनर्जी, विंड एनर्जी प्रोडक्ट्स के, हम कैसे पानी और बिजली से एनर्जी जनरेट कर सकें, तो उसके बड़े प्रोजेक्ट्स पर आज चर्चा हुई है। इसके अलावा मेजर ग्रीन फील्ड पोर्ट जैसे कि वर्धमान में और महाराष्ट्र में, इसके अलावा 8 नेशनल स्पीड रोड कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट भी किए गए हैं, इसके अलावा 11 रेलवे प्रोजेक्ट आज किए गए हैं। तो ये भले ही अलग अलग प्रोजेक्ट हैं और आप मुझसे सवाल कर रही हैं 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, लेकिन ये सब इंटरलिंक्ड है, फर्ज कीजिए हम 11 रेलवे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक तो मल्टी कनेक्टेड रेलवे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली है। अब होगा क्या कि उनमें से वो सारे कॉरिडोर वाले इलाके भी हैं, अक्सर हम जब सड़क पे चलते हैं तो कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, पर हम ट्रेन से जाते हैं तो वो कार्बन एमिशन कंट्रोल होता है, और इसके अलावा सड़कें खाली होंगी, जो मालगाड़ी है वो सड़क पे ना चल के रेल में जाएगा, तो ऐसे कनेक्टिविटी से कहीं ना कहीं वो 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनाने का जिक्र है उसको सपोर्ट दिया जाएगा। यानी आज जो फैसले हुए हैं वो कहीं ना कहीं वो 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बूस्टअप करने के लिए। और अगर हम इंटरनेशनली इस बात का जिक्र करें शिखा, और अगर हम भारत की राजनीतिक लिहाज से भी जिक्र करें, तो ये अगर ये धरातल पर उतरता है तो ये 10 लाख नौकरियाँ, जिसको विपक्ष कभी नहीं उठा पाएगा कि कहाँ गई 10 लाख नौकरियाँ, कहाँ गई बेरोजगारी। फिर जब हम विश्व की राजनीति में, वर्ल्ड ऑर्डर में जिक्र करते हैं कि भारत कैसे अपनी पहचान बना रहा है, तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा जहाँ पर, क्योंकि देखिए अब हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर रहे हैं, हम सोलर की बात करें, हम फोन्स की बात करें, हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो इंडस्ट्रियल सेटअप है और जिसके लिए जो बाहर की कंट्रीज आकर अगर उनको स्थायी और इजी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे वो जल्दी सेटअप कर पाएंगे, तो भारत वो हब बनेगा जो एक मैग्नेट की तरह होगा। और देश, इसीलिए भारत यूरोपियन कंट्रीज, छोटी कंट्रीज के साथ भी अब कैसे समझौते कर रही हैं कि उनको कैसे अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ लोगों की है, तो हम सर्व भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हैं। तो इस एक 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से ना सिर्फ भारत का, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर में भी भारत अपना जो ऑर्डर है, पायदान है, वो बढ़ाएगा। इसलिए ये हम सबको एक भारत के जैसे उज्जवल भविष्य का जिक्र करें, या वी विल जेन्युइनली गेट इनटू द गोल्डन एरा अगर ये 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तब्दील हो जाते हैं, और फिर ये रिसेशन, नौकरियों की कमी, इंडस्ट्रीज़ का वापस बाहर जाना और नौकरियों का जाना, ये अपने आप में बात गौण हो जाएगी।
और भारत वो धरती बन जाएगा या वो देश बन जाएगा जहां पर विश्व से लोग आकर नौकरियां करना चाहें। जी, वैश्विक पटल पर जब भी भारत का जिक्र होता है और प्रधानमंत्री मोदी के विजन की बात होती है अदिति, तो कहते हैं कि तीसरे पायदान पर बस पहुंचने ही वाले हैं। क्या लगता है स्मार्ट सिटी का जो सपना इस समय नरेंद्र मोदी ने देखा है, उस सपने के बाद ये पायदान और इस पर पहुंचना आसान हो जाएगा भारत के लिए? देखिए, जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ये कोई एक पॉलिटिकल बयान, क्योंकि ये बयान प्रधानमंत्री ने हर मोर्चे पर दिया है, हर प्लेटफॉर्म पर दिया है, और यहाँ पर हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता का जिक्र नहीं कर रहे। हम भारत देश जिसमें 140 करोड़ लोग हैं उसके देश के मुखिया की बात कर रहे हैं, और जब वो कोई बयान देते हैं तो वो अमेरिका में भी बैठ के वहाँ के प्रेसिडेंट सुनते हैं, रशिया के प्रेसिडेंट भी सुनते हैं, और यूक्रेन भी सुनता है, चाइना भी सुनता है, फ्रांस भी सुनता है, तो सारे बड़े कंट्रीज सुनते हैं। और उसी लिहाज से अब आप देखिए, धीरे 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 हम पाँचवीं अर्थव्यवस्था पर आए, उसके बाद नौवीं से पाँचवीं पर पहुँचना, और पाँचवीं से हम तीसरी पर पहुँचने की उस कगार में हमें, जैसे जेन्युइनली लेमन लैंग्वेज में, हम ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कितने अच्छे वो बन सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि हम इजी क्लियरेंस देंगे, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास कनेक्टिविटी है। आपने आज के कैबिनेट की जब आप स्पीच सुना रही थी तो आपने देखा होगा कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी हम आपको देंगे। तो आप फ़र्ज़ कीजिए कि किसी की इंडस्ट्री है किसी एक जगह, केरला में, साउथ में है, लेकिन उसको नॉर्थ ईस्ट के साथ कोई व्यापार है, वहाँ से कुछ चीज़ है, तो एंड टू एंड भारत में कनेक्टिविटी है, चाहे फिर वो रेल से हो, चाहे फिर वो एयर से हो। तो ये सारी सुविधाएँ जब होंगी तब हम हमारे लिए फर्टाइल हो जाएंगे हम कि कंपनीज आए और हमारे यहाँ सेटअप करें। तो भारत खुद को उस लेवल पर सशक्त कर रहा है, और ये सब हो इसलिए रहा है जिसका आप सवाल पूछ रही हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था पर तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ जनरेट करना होगा, बहुत कुछ डेवलप करना होगा, तब जाकर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारे यहाँ कंपनीज आएंगी, और वो कंपनीज आकर फिर मैन्युफैक्चर करेंगी। भारत के जो लोग हैं, जो आज जिनके पास नौकरियाँ नहीं हैं या नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं, वो नौकरियाँ करने लगेंगे, फिर ये पूरी एक साइकिल चलने लगेगी, और जब ये साइकिल चलने लगेगी तब इकोनॉमी बूस्ट होगी, और जब इसीलिए हम इस कॉरिडोर को इकोनॉमिक कॉरिडोर कह रहे हैं, और जब इकोनॉमी बूस्ट होगी हर 12 सिटीज़ में जाहिर तौर पर उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी चीज़ें बदलेंगी, तो ये पूरी साइकिल है जो भले ही एक ज़िले से शुरू हो या एक शहर से शुरू हो, लेकिन ये इस साइकिल में इंटरनेशनल मार्केट इन्वॉल्व है, और जिसको जिसका प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है, जिसकी ज़मीन कौन दे रहा है, भारत अपनी ज़मीन दे रहा है, तो भारत अपनी ज़मीन को इतना फर्टाइल या इतना इजी बनाना चाहता है जिससे कि बाहर की कंपनियां आकर इन्वेस्टमेंट करें, यहां पर अपनी कंपनियां खोलें, और उसके बाद ये पूरा एक चेन साइकिल है जो चलती रहेगी, और फिर जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था और उसके बाद दूसरी और उसके बाद पहली अर्थव्यवस्था का जो सपना देखा है वो भारत अचीव कर पाएगा। और ये जो जो छोटे छोटे जो हमारे मतलब जो सुनने में भले ही छोटे होते हैं, ये बहुत बड़े फैसले हैं जो लिए जाते हैं सरकार द्वारा, और अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होगा तो भारत का हर एक व्यक्ति जो खुद के लिए सपना सोचता है, भारत देश के लिए सपना सोचता है, वो अचीव हो सकता है। और 12 ये जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, ये उन्हीं उन सपनों में से है जो भारत के 140 करोड़ लोगों को अपने उस सपने तक ले जा सकता है, बस धरातल पर समय रहते स्पीड के साथ लागू हो जाए। और चूंकि आपने स्पीड की बात की है अदिति, तो इसको लेकर के सरकार द्वारा लक्ष्य क्या रखा गया है, कब तक ये बनकर के तैयार होगा, क्योंकि चुनावी माहौल जैसे ही शुरू होता है और आने वाले 5 सालों में जब चुनाव दोबारा होंगे तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है टॉपिक होने वाला है विपक्ष के लिए भी और सरकार के लिए भी, तो फिलहाल लक्ष्य क्या रखा गया है इसको लेकर? देखिए, ये वही लक्ष्य है जो भारत ने, भले ही हम 2047 तक के लक्ष्य का बात करते हैं, लेकिन अभी जो लक्ष्य है वो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि चुनावी साल से एक साल बाद का। लेकिन जाहिर तौर पे जब हम 2029 में होंगे, और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसको धरातल पे आना, वैसे ही एक समय था जब शायद 11 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनती थी,
फिर नितिन गडकरी और 2014 के बाद जब आए तब हम 30 किलोमीटर प्रतिदिन, फिर 32 किलोमीटर, 35 किलोमीटर और ऐसे अब हम 40 किलोमीटर प्रतिदिन, 37 टू बी प्रिसाइज आई थिंक, हम प्रति किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बना रहे हैं और वो भी जो स्टेट हाईवेज नहीं, नेशनल हाईवेज बना रहे हैं, फ्रीवेज, ग्रीनवेज बना रहे हैं। तो और इस बात के लिए मैं इसलिए आपको अश्योर कर सकती हूँ क्योंकि मेरा आंखों देखा है, मैं जहाँ रहती हूँ गुड़गांव में, वहीं से वो एक्सप्रेस वे निकलता है मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मैंने उस पर एक बड़ी स्टोरी भारत 24 पे की थी। तो मैं जिस स्पीड से मैं चाहे जयपुर चाहे मुंबई पहुँचने के पास हूँ वो अपने आप में अद्भुत है, जो शायद कभी 10 साल पहले हमने सोचा हो कि हम दिल्ली से जयपुर उच्च स्पीड से पहुँच सकें। तो ऐसे ही मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो समय की बात है कि अब टारगेट है कि सड़कें और ज़्यादा बने, जल्दी बने और इसके साथ साथ अगले 5 साल के इस लक्ष्य को पूरा करने, यानी 2030 का ये लक्ष्य है और 2030 के लक्ष्य के साथ जो हमारा ये लक्ष्य है कि हम इकोनॉमी बूस्ट हो और हम तीसरी अर्थव्यवस्था पर जाएं, वो अलग बात है कि 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य है, लेकिन वो जो विजन हमने देखा है जब हम बात करेंगे कि ये सपना देखा गया था कब, 2014 में, 2019 में या 2024 में, वो आज का दिन होगा कि कैसे अब ये 12 जिन जगहों का मैंने आपसे जिक्र किया है वो स्मार्ट सिटीज बनेंगी, जहां पर एक दिन आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, डिफेंस की चीजें मैन्युफैक्चर हो रही होंगी, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे और भारत एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर तैयार हो चुका है। और देखिए अदिति कहते हैं कि सपना देखना जरूरी होता है अगर आप उसे धरातल पर उतारना चाहते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरे विश्लेषण के लिए।